आज गाइस मैं अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही खेल रहा था जब मुझे रियलाइज हुआ कि जब से विलेजर्स ऐड हुए हैं उनकी लाइफ कितनी हार्ड हो चुकी है। मतलब सोचो गाइस कितने सारे मॉब स्पॉन होते हैं, उनको परेशान करते हैं रातों के अंदर। तो मैं सोच रहा था विलेजर्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, और तभी गाइस मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया है। तुम लोग इस इंसेक्ट को तो जानते होगे जो मैं बताने वाला हूँ, एंट्स। वो मजे से यार अपने नीचे अंडरग्राउंड में रहते हैं, उन्हें कोई भी अटैक नहीं करता, बहुत ही अच्छे से रहते हैं वो लोग। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने विलेजर्स के लिए एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बना देते हैं, वहाँ पे आराम से ये लोग जाएंगे और कोई भी मॉब इन्हें परेशान नहीं करेगा। तो मैं अपने विलेज के पास तो आ चुका हूँ और जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कितने मजे से रह रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग इस फॉर्म के नीचे देखोगे देखो कितनी टेंशन होती होगी। सीधे केव है उनके नीचे यार, कभी कभी तो दिन में ही मॉब स्पॉन हो जाते होंगे। और तुम लोग सोचोगे आयरन गोलम उन्हें बचा लेंगे, नहीं भाई इतने सारे डोले शोले भी नहीं बचा सकते इन विलेजर्स को। मैं सोच रहा हूँ गाइस कि ये वाला अगर काफी अच्छा लग रहा है, हम लोग अपनी यहीं पे बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें डिग करना पड़ेगा, वैसे अगर हम लोग बनाएंगे तो डिग करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए ये बड़ा सा होल डिग कर दे रहा हूँ। और अब गाइस मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल बना दिया ताकि तुम लोग देख पाओ कि एंट कॉलोनी कैसी बन रही है। हम लोगों की ये विलेजर्स है ना, हम लोगों का सीक्रेट बेस है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस घर के अंदर यहाँ पे ऐसे बेड लगा देते हैं, उससे सारे विलेजर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ट्रैप डोर लगा दे रहा हूँ अपनी, उनको लगेगा कि वो लोग यहाँ पे वॉक कर पाएंगे लेकिन वो एक्चुअली नीचे गिर जाएंगे। तो अब गाइस हम लोग इसके पूरे प्रोपोर्शन को बनाना शुरू करते हैं। ओके गाइस तो मैंने अब सारे रूम्स की साइज को सेट कर दिए। अगर तुम लोगों को समझ में ना आए कोई टेंशन नहीं, मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों के विलेजर्स यहाँ पे गिरेंगे और उन लोगों के लेफ्ट में लेगा उन लोगों का लिविंग रूम, और उसकी भी लेफ्ट में हमारे लोगों का बेडरूम। फिर यहाँ पे हमारे विलेजर्स के खाने पीने के रूम्स हैं। अगर हम लोग लिविंग रूम से नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमें मिलेगी हम लोगों की लाइब्रेरी, जहाँ पे सारी पढ़ाई कर सकते हैं अपने विलेजर्स। लाइब्रेरी के नीचे है हम लोगों का ब्लैकस्मिथ, जिससे माइंस कनेक्टेड है, जहाँ से वो लोग अपने सारे मेटल वेटल ले सकते हैं। विलेज के हमारे बीचों बीच है हम लोगों का मार्केट, जहाँ पे हम लोगों के विलेजर्स सारी ट्रेडिंग करते हैं। फिर हम लोगों के मार्केट के राइट के अंदर है हम लोगों का फार्म, जहाँ पे सारी क्रॉप्स बनती हैं। उसके ऊपर है हम लोगों का एनिमल फार्म, फिर उन दोनों से कनेक्टेड है हम लोगों का वाटर सोर्स, क्योंकि क्रॉप्स और एनिमल्स को पानी की तो जरूरत पड़ेगी है ना गाइस। फिर अगर हम लोग मार्केट से नीचे जाते हैं, यहाँ पे है हम लोगों की फूड स्टोरेज, जहाँ पे सारा खाना स्टोर होता है। उससे यहाँ पे कूड़ेदान पड़ा हुआ है हम लोगों का विलेजर्स का। और फूड स्टोरेज से है हम लोगों का यहाँ पे कनेक्टेड किंग का रूम, और उसी के लेफ्ट में है हम लोगों का किंग का बेडरूम, और सबसे नीचे गाइस हम लोगों का सीक्रेट ट्रेजरी। और ऐसे करके हम लोगों का सिंपल सा एक अच्छा सा बहुत ही प्यारा विलेज बन चुका है। एक सेकंड गाइस, मैं बिल्ड करना शुरू हुआ था मुझे एक बात याद आई, अभी हम लोगों का किंग का रूम है, हम किंग किसको बनाए? ये विलेजर यार मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसके पास तो एक अपना सरताज भी है। चलो और देखते हैं, ये सब लोग अपने मजे से वोटिंग कर रहे हैं, ये वो वाला मैं उसको वोट करवा दूंगा, वो सही है। तो मैं राजा बनने ओके नहीं बनना, ठीक है सही से बोल लेते एटलीस्ट। चलो ये विलेजर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे जंगलों के अंदर, वोटिंग चल रही है, अजीब है यार। वैशिव तुम बताओ क्या कर रहे थे, बताओ एक सेकंड। अरे नहीं बता रही, चलो ठीक है जाओ जाओ। यार मेरा ये फेवरेट विलेजर को तो ये छोड़ के जा रहे हैं, वो एक दूसरे में वोटिंग कर रहे हैं। कोई नहीं मैं वोट करवा दूंगा, काउंटिंग तो मैं ही करता हूँ ना। डन 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 डन, चलो भाई वोटिंग शुरू हो रही है। हाँ देखो अभी पैनिक में हो गए। चलो कोई नहीं, तुम लोग मजे से वोटिंग करते रहो, मैं अभी जल्दी से तुम लोगों का विलेज बिल्ड करता हूँ। विलेजर्स बातचीत करना बंद करो, तुम लोग देखो तुम लोगों का घर पूरा बन चुका है, जाओ अंदर। ये जा क्यों नहीं रहे, अरे जाओ ना। चलो मुझे लग रहा है इन लोगों के बेड है ना, इसलिए ये लोग नहीं जा रहे वहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, इन सबके बेड फोड़ते हैं। वैसे यहाँ का विलेजर कहाँ गया, वो पहले तो यहाँ से हिल ही नहीं रहा था। चलो और देखते हैं, हाँ ये रहा ना, ये वाला बेड फोड़ देते हैं, वो लोग वहाँ पे आ जाएंगे। और ये विलेजर क्या कर रहा है, ओए इसका घर है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है बेड तोड़ने से। कोई नहीं भाई अभी तोड़ दूंगा। ओ बेड तो नहीं है यहाँ पे, वो चेस्ट, ये क्या ब्रेड है यहाँ पे, और नकली कागज आते नकली वुड। बाप रे किंग बनना चाह रहा था, पकड़ा गया वो नहीं कर पाया कुछ। चलो रहने दो, अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं उसे, और मैं नहीं दे दूंगा ये सब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये रहा ये वो विलेजर जो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। क्या कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, अभी चले जाना अंदर विलेज के। और यहाँ पे देखते हैं सारे विलेजर यहाँ पे गैदर हो गए हैं, पता नहीं कहीं को उन लोगों को जंगल ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये क्या कर रहा है, बिन बुलाया मेहमान, हटो यार भाई। चलो भाई विलेजर तुम लोगों के नए घर जाने का टाइम आ गया, तुम लोगों के सारे बैठ गए, रात में भी नहीं सो पाएंगे। हाँ देखो वो बात मान रहे हैं मेरी, वो भाग के आ रहे हैं कैसे। बाप रे धक्का मुक्की, चलो धक्का मुक्की तो मत करो यार, एटलीस्ट देखो अड़ गए हैं रास्ते में। हाँ ऐसे ना अच्छे से एकदम लाइन में। गाइस वरी मत करो, नीचे वाटर लगा हुआ है वैसे, अगर तुम लोग सोच रहे हो सीधे गिरा रहा हूं मैं उन्हें खाई से। और ये क्या विलेजर्स कर रहे हैं यहाँ पे,
What? ये फार्मर के साथ क्या कर रहे थे? इसको मारना चाह रहे थे? ये तो यार गंदी बात है। इतनी उम्मीद नहीं थी इन विलेजर से। मतलब यार बस किंग बनना चाह रहा है वो बेचारा, उसे को क्यों हरकत दे रहा हूँ? देख लूंगा, कोई बात नहीं, हम लोग उसको सेफ रखेंगे। चलो भाई फार्मर विलेजर, तुम मेरे साथ आओ। ये देखो, जो फंसाना चाह रहा था उस विलेजर को वो खुद ही फंस गया। ये तो ऐसी बात हो गई गाइस, जैसी गन्नी वैसी धरनी। चलो कोई ना, मैं भी अच्छा बंदा हूँ, तुम भाई वहाँ पे जाके अपने विलेज में चले जाओ नए वाले। वहाँ पे हरकत मत देना बस, वरना तो देख लो भाई अब तुम। तो गाइस अब जब हम लोगों के सारे विलेजर्स आ चुके हैं, मैं तुम लोगों को एक टूर देता हूँ हम लोगों के पूरे के पूरे ना, पूरा बन चुका है अब। बिल्ड होकर तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना प्यारा बनाया हम लोगों का विलेज। सबसे पहले तो है हम लोगों का लिविंग रूम, यहाँ पे अपनी चाय चाय पी सकते हैं विलेजर्स मजे से और बातें कर सकते हैं जैसे ये अभी कर रहे हैं। उसके बाद ही हम लोगों का बेडरूम, और अगर हम लोग उसके भी लेफ्ट में है तो ये रहा हम लोगों का डाइनिंग रूम, जहाँ पे अपना सारा खाना कर सकते हैं विलेजर। उसके नीचे हम लोगों का किचन, ये नॉर्मल विलेजर्स के लिए, यहाँ पे अच्छा सा खाना कुक हो रहा है, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं गाइस। और उसके भी नीचे है हम लोगों का चिकन फार्म, यहाँ से हम लोगों के पूरे विलेज के लिए अंडे आते हैं और ये विलेजर यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। कुछ खाने को दो ना सब। ये लो भाई अपना खाना। एनीवेज गाइस, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके एक एग्जिट है, तुम लोग अगर सोच रहे हो यहाँ से लीव नहीं कर सकते। और यहाँ व्हाट, ये कहाँ पे आ गया? अरे हाँ, मैंने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया। वो क्या है, मैंने एग्जिट वो सेम लैडर से अटैच कर दिया जिससे हम लोग वापस डाइनिंग रूम में आते हैं। चलो गाइस मैं और दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे अगर हम लोग इन लैडर से नीचे जाएं तो हम लोग एंटर करते हैं अपने मार्केट को। यहाँ पे ये हम लोग की अपर स्टोरी है अपने मार्केट की, जहाँ से हम लोग पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या कर रहे हैं विलेजर्स। और अगर हम लोग नीचे जाएं तो ये है हम लोगों का मेन मार्केट। ये देखो यहाँ पे अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉल के ऊपर खड़े हैं, क्या क्या बेच रहे हैं वो लोग, आर्मर बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है विलेजर। और सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हम लोग की घंटियां भी लगी हुई हैं, वो जो जिनसे हम मैं वोटिंग करवा रहा था। ऊपर विलेजर्स को क्या हो रहा है, बहुत जोर से भाग रहे हैं, बाप रे। फिर आती है हम लोग की लाइब्रेरी, यहाँ पे सारे पढ़ाकू विलेजर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। फिर उसके नीचे है हम लोगों का ब्लैकस्मिथ, यहाँ से हम लोगों के सारे टूल्स बनते हैं विलेजर्स के लिए। फिर आता है हम लोगों का वो अपनी माइंस, यहाँ से आते हैं हम लोग के सारे एमरल्ड, क्योंकि वो हवा से थोड़े ना प्रोटेक्ट हो जाने वाले हैं सारे के सारे एमरल्ड्स। ये देखो गाइस कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपने विलेज के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फिर ये रहा हम लोगों का फार्म, यहाँ पे हम लोगों का वो वाला किंग है ये हम लोगों का, वैसे किंग भी काफी मेहनत करता है पूरे फार्म के लिए। फिर अगर हम लोग अपने नॉर्मल क्रॉप फार्म के ऊपर आते हैं तो हम लोगों को मिलता है अपना एनिमल फार्म। और हाँ गाइस, हम लोगों का वाटर टैंक ऐसे करके अपने एनिमल फार्म और अपने नॉर्मल फार्म से कनेक्टेड है। फिर हम लोगों के मार्केट के नीचे हम लोगों का फूड स्टोरेज, यहाँ पे ये इतनी बड़ी मछलियाँ पड़ी हुई हैं और ये सब खाना पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक रबिश पाइल भी है जो वहाँ पे खराब खाना ये लोग अपना सारा डाल सकते हैं ना। यहाँ से डायरेक्ट इन लोगों का कनेक्शन है अपने किंग के साथ, ये हम लोग की किंग की सीट है। और गाइस वो सब मैं बोल रहा था ना, किंग विंग वोटिंग होगी, एक्चुअली किंग मैं हूँ। तो ये क्या कर रहा है विलेजर? तो भाई मैं हूँ किंग ना, हाँ यू ही ना, काफी अच्छी कम्फर्टेबल सीट है गाइस। ये देखो कितना प्यारा, ये विलेजर क्या कर रहा है, ये मतलब घुस गया ये तो, हटो। अब गाइस इस विलेजर ने मेरा अपमान किया तो इसको अब मृत्युदंड की सजा मिल चुकी है। एनीवेज तो यहाँ पे है हम लोगों का बेडरूम, और ये पूरा सिंगल बेडरूम है क्योंकि मैं ही हूँ अकेला किंग, और कोई नहीं है, शेयर्ड नहीं है। और अगर हम लोग थ्रोन रूम के पीछे जाएं तो यहाँ पे है हम लोगों की सीक्रेट एंट्रेंस, हम लोगों की ट्रेजरी के लिए। यहाँ पे सारा खजाना जो भी विलेजर्स माइन करते हैं यहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है, और ये पूरा किंग पर्सनली आ सकता है। और ये विलेजर जिंदा बचा है अभी, बाप रे खतरनाक है वो तो। चलो वो स्लैम उसका टाक अपना काम लगा लेगा। और यहाँ पे मैं अपना वो बॉडी बिल्डर ऊपर से ले आया हूँ, यहाँ पे ये मजे ले रहा है, अब गार्डिंग करता है, इसको सैलरी मिल रही है अच्छी। और अगर हम लोग यहाँ से ऊपर हैं तो हम लोग का ये एग्जिट है जो मेरे बेडरूम में आते होता है। अब जब तुम लोग पूरे सीक्रेट विलेज को देख चुके हो, मैं सोच रहा हूँ हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग विलेजर्स को ट्रैक करें कि वो क्या कर रहे हैं पूरे दिन के अंदर। मैं टाइमलेस बना दूँ जल्दी से। अब गाइस हम लोग वीडियो के अंत में आ चुके हैं, तो ये अब फाइनली गुड बाय। लेकिन गाइस वीडियो को क्लिक ऑफ मत करना बस, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। Absolutely fucking not.